आज के पोल के प्रश्न में आपका कमांड आपके द्वारा दिए गए आंसर से पता चलता है। केवल 29% लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। प्रश्न में परसेंटेज है, रेशियो है, एक सिंपल सा डिस्कशन है, हालांकि जो देखने में टफ लगता है उसको क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जिसको समझ नहीं हो निश्चित तौर पर इसको गलत किया और वह आपके रिजल्ट के द्वारा जो आपने यहाँ पर आंसर दिया उसमें साफ साफ दिख रहा है। 35% लोगों ने 1:3 को प्रेफर किया है। मैं जब कभी भी इस तरह के प्रश्न देखता हूँ, आपके रिस्पांस को देखता हूँ, एक ही आंसर जो गलत है उसको अगर ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं तो उसमें बड़ी डाउट होती है कि आपकी सोच किस तरफ जा रही है। जब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सही आंसर को 29% लोगों ने दिया, उसी के लगभग 30% लोगों ने 4:1 पलट करके आंसर दिया है, तो थोड़ा सा दुविधा थी, इसलिए प्रश्न को मैंने आज वेरिफिकेशन में रखा है। प्रश्न आपको टेलीग्राम पे दिया गया था और प्रतिदिन दिया जाता है, आप भी डेली पार्टिसिपेट करते रहिए, प्रश्न को देखते रहिए, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किए रहिए मैथ्स का, और जो भी क्वेश्चन हम दें उसको सही तरह से आप आंसर करें, जैसे आपने किया इस टाइप से नहीं, और उसकी व्याख्या को आप देखिए जब वीडियो के माध्यम से आपको मिले। प्रश्न में कहा गया है कि वाई का एक्स परसेंट, आपको परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी अवेयरनेस तो 100% होगी कि परसेंटेज किस तरह से वर्क करता है। आप कभी भी किसी संख्या के पहले अगर परसेंटेज लगाते हैं तो सिंपली उसका एक रेशियो 100 के साथ, अर्थात उसकी तुलना कंपेरिजन जो होती है 100 के साथ होती है। जब हम किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज देखते हैं तो हम 100% डिफाइन कर देते हैं कि वह संख्या 100 से रेशियो, मतलब 100 से कंपेयर्ड की गई है। जब इस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वाई का मतलब आप जानते हैं, अगर इंग्लिश में इसी को लिखा रहता, देखिए आप लिखा हुआ है उसको भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, वाई का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 100 है। यहाँ से थोड़ा सा अगर हम परसेंटेज सिंबल, क्योंकि इसमें परसेंटेज सिंबल नहीं है, इसमें परसेंटेज सिंबल लगाया गया है, आप अगर इसको हम क्रिएट करें बनाएं तो वाई इंटू एक्स अपान 100 इसको लिख सकते हैं, बराबर आप 100 करिए। इसका मतलब है कि एक्स वाई मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो 100 × 100 10,000 हो जाएगा। आप इसको बना दीजिए तो 100 × 100 10,000 हो गया। दूसरी तरफ हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर लिखा गया है कि जेड का वाई परसेंट 400 है। जेड का वाई परसेंट कितना है, 400 है। आप सिंपल सा इसको भी लिख सकते हैं, जेड इंटू वाई अपान 100 बराबर, अगर देखेंगे तो 400 है। अब इसको भी अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जेड वाई इज इक्वल टू 40,000 हो जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई हम कर देते इट बिकम 40,000। इसको अगर आप स्टेटमेंट एक सोच लें, स्टेटमेंट टू सोच लें, जैसा इसने कहा था कि आप एक्स और जेड के बीच रेशियो बनाएं, अनुपात बनाएं। जब भी कभी अनुपात को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम पहला पद दूसरा पद क्लियर करके रखें कि कौन सा पहला पद। देखिए गलती यहाँ पर 30% लोगों ने किया भी उस चीज़ को, कि उनको पहले पद और दूसरे पद के बीच अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो 4:1 ना लगाते। अब इस हिसाब से अगर हम 1 और 2 को यहाँ पर कंपेयर कर दें तो 1 का मान देखिए आपके पास एक्स वाई है और 2 का मान अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जेड वाई है। इसकी वैल्यू देखो कितना है, 10,000 है। इसकी वैल्यू 10,000 है और अगले की वैल्यू 40,000। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, 40,000 है। वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा और इसका 4 जीरो इसके 4 जीरो को कैंसिल करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर एक्स और जेड बन रहा है तो एक्स और जेड का जो रेशियो बनेगा दैट इज इक्वल टू 1:4 हो जाएगा। सिंपल सा 1:4 होगा, जो कि 29% लोगों ने सही आंसर में प्रिफर भी किया है। तो करेक्ट आंसर इसका 1:4 है। मैंने कहा ना, प्रश्न को सही तरह से अगर आपने रीड किया हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, देखकर डाउट ना हो, जैसे अगर आप इस चीज़ को देख करके डाउट में आए, कन्फ्यूजन्स में आए, तो निश्चित तौर पर कमी है, मतलब ऐसे में समझ की ज़रूरत है। मैंने आपको व्याख्या करके दिखा दिया, एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि आपको इस टाइप के प्रश्नों पर कैसे काम करना है। थोड़ा सा समीकरण भी आप पे मैंने आपको समझाया, आप भी समझिए अच्छे से, इस तरह के प्रश्नों को कभी गलत ना करें। इसलिए व्याख्या, एनालिसिस, एक कंपेरिजन, इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जैसे कि प्रश्न आपको मिलते रहें, और प्रतिदिन उसकी एक प्रश्न की व्याख्या, हम जो भी इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं उसकी हम कराते हैं। आप भी उसमें जुड़े रहने के लिए इस एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे कि हमें भी आइडिया रहे कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं, आपने आंसर क्या दिया था, किस गलती की वजह से आपने आंसर इस टाइप का दिया। ये सारी बातें हमें आप जरूर साझा करते रहिए, इस फीडबैक को आप जरूर साझा करते रहिए, और यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताते रहिए, जिससे हम इस पर और भी कुछ एक्शंस और भी कुछ अच्छे अपडेट्स लेकर आपके सामने आ सके। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।